तो सब कैसे हो? तो सब बढ़िया। तो भाई बढ़िया ही होना चाहिए। और हमको जो है इधर इतना 1 घंटा रुकने के बाद भी भाई कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला या ऑर्डर नहीं मिला बोल सकते हैं। तो भाई हम इधर से तो निकल रहे हैं। आज जो है हम शेयर करेंगे फरवानिया की तरफ, उधर भी कुछ मिलेगा तो अच्छा है। और भाई देखो इधर कुछ आइसक्रीम वाला है और बाइक पे ऐसा आइसक्रीम बेचता है। भी है मेन स्ट्रीट। भाई देखो क्या ही गाड़ी चल रहा है ना। अच्छा हम लेंगे राइट और घुस जाएंगे ब्रिज के नीचे से चलेंगे फरवानिया। देखो भाई आगे जो है कुछ ऐसा बंजर जमीन, भाई कुछ भी नहीं है। लगता है मेरे को ऑर्डर जो है आ चुका है। तो भाई मोबाइल जो है किधर से देखे ऑर्डर नहीं आया, ऐसा लग रहा है मुफ्त जोन कुछ ऐसा लिखा है। तो भाई देखते हैं मोबाइल को जो है हमको जो क्रॉस करना है इस ब्रिज के नीचे से। भाई हम तो चलेंगे सीधे, जाने को तो ऊपर से भी जा सकते हैं बट ऊपर से नहीं जाएंगे। नज़ारा कुछ ऐसा है। और इधर जो गाड़ी पूरा भाड़ा पड़ा है, ये साइड पे जो देखो छोटा छोटा सा ट्री। और भाई देखो क्या ही है ट्री, इधर आके आप क्रिकेट भी खेल सकते हो भाई। छोटा सा प्लेस है और मज़ा आएगा अलग। और इधर से हम करते हैं पार जो इस सिग्नल को। भाई आगे तो बहुत जाम लग रहा है। दे सिग्नल जो हो गया पीला एक साइड का जो लेफ्ट है उधर नहीं जा सकता है, सीधा तो भाई आ ही सकता है। भाई ये जो फरमानिया का रोड है बहुत बिजी रहता है। अभी देखो कितना टाइम लगेगा हमको आगे जाने में सा। और भाई इधर अभी तो फिलहाल बिजी नहीं है, साइड पे देख सकते हैं पूरा इतना बिजी है। ये लाइन पे उतना बिजी नहीं, आगे जाकर शायद हो सकता है। इधर का रोड हमेशा ही बिजी रहता है ज़्यादा भाई, खास करके शाम में। अभी तो भाई कम ही है, शाम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है भाई। और हम चल रहे हैं अपने गलत रास्ते पे, हमको चलना है वो रास्ता। फिर भी पार्किंग जो किया है वो गाड़ी बैक निकलता है तो भाई फिर से रोकना पड़ता है। और इधर से जो यू टर्न लेता है फिर से रोकना पड़ता है भाई। अपना तो मुश्किल ही मुश्किल है गाड़ी चलाना इधर। और अडर जो है भाई लग ही नहीं रहा है, तो बस ऐसा टहलने को आ गया इधर। इधर से कहीं मिल जाए तो भाई लगता है आ गया है अडर। तो भाई क्या है, अडर तो भाई मिल चुका है अपने भाई को। तो भाई देखते हैं अभी लोकेशन कहाँ का आता है। तो हमको लेना है आगे से राइट लेना है। तो भाई उधर से हम अभी इसको तो जाने देते हैं, फिर बात करेंगे। भाई ये तो निकल गई। तो भाई ऑर्डर पिक करके अभी बात करते हैं आगे क्या होता है। तो भाई अभी चलते हैं ऑर्डर लेने के लिए और क्या होता है देखते हैं। गाड़ी को इधर ही साइड लगाते हैं। और भाई इधर तो कुछ ऐसा ही मंजर है। आज फर्स्ट टाइम जो है हम कैमरा लेके चल रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए। तो इधर का मेन एंट्रेंस, भाई एंट्री लेते हैं। एक्सक्यूज मी, थ्री फोर हाँ यस तलाबाद आईडी 1993860। यू वांट टू सी? Finish. Thank you. Okay. This one? Okay. जो भाई ये जो है कुछ एक्सपेंसिव सा लग रहा है। तो भाई ऑर्डर जो हमने पिकअप कर लिया है तो भाई इधर देख सकते हैं क्या स्वीट स्वीट सा रखा है। और चलते हैं, वो बोल रही है आराम आराम से लेके जाओ क्योंकि इस पे है कुछ एक्सपेंसिव सा। तो भाई इधर का कुछ ऐसा ही होता है। और भाई हम तो पहली बार जो है रास्ते पे गाड़ी खड़ा करके चल दिया भाई। जो है अभी हमको लगेगा पेनल्टी भी लग सकता है। तो भाई ऑर्डर तो कर लिया हमने पिकअप और भाई चलते हैं आगे। ऐसा कुछ लोकेशन लगा कि भाई इधर तो गाड़ी का जो रैश है ना बहुत ज़्यादा है भाई। तो अभी लगाते हैं लोकेशन। हमने जो है सीट बेल्ट जो है पहन लिया है। तो भाई इधर से जो है एक बंदा रास्ता क्रॉस कर रहा है। तो भाई लोकेशन जो दिखा रहा है रिहाब का दिखा रहा है। तो भाई अभी चलते हैं रिहाब और उसका एक्सपेंसिव सा कुछ स्वीट दे के आते हैं, कुछ केक सा लग रहा है मेरे को।
और भाई बगैर बैग का तो ऐसा लेके जा नहीं सकते हैं भाई, गाड़ी जो हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो अभी तो हम भाई निकल चुके हैं, कोई भी आ जाए भाई रुकने का नहीं है, अगर कुछ खराब हो गया तो भाई इसका जिम्मेदारी भी अपने ही सर पे आता है, तो भाई आराम आराम से लेके तो जाना ही पड़ेगा, उसका भाई बोलने का ज़रूरत नहीं है। कल एक बार ऐसा हुआ था जो कोका कोला होता है ग्लास में कुछ ऐसा सर्व करके दिया था जो आइस डाल के, तो मेरे को लगा उस पर कैन वाला कुछ ऐसा कोका कोला होगा, तो भाई मैं ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, उसको जो है पीछे रख दिया, भाई सीधा करके नहीं रखा, उसको सुला के रख दिया। तो भाई जब कस्टमर के घर पहुंचते पहुंचते मालूम पड़ा कि भाई उसमें तो भाई ग्लास का कोका कोला है, तो पूरा जो गिर गया बाहर पे, और उस पर जो बचा था आधा सा भी कम बचा था, और मैंने जो कस्टमर को बोला भाई कुछ ऐसा हो गया कि कोका कोला गिर गया अभी क्या कर सकते हैं भाई, तो वो बोला कितना है, मैं बोला हाफ तक है, तो नो प्रॉब्लम लेके आ जाओ बोला ऐसा कुछ, तो भाई मैं तो उधर उसको दिया और फटाक से भागे, क्योंकि उसका पैसा भी अपने मुंडी में आने वाला था ना, तो भाई डर तो लगता ही है। बाद में वो कंप्लेन भी नहीं किया भाई, उसने ही मैं एडजस्ट कर लिया, तो भाई जो है कल तो नसीब अच्छा था तो भाई बच गया, नहीं तो नो चांस ब्रदर, नो चांस। इधर का आदमी जो लोग है वो बोल देगा नया चाहिए, तो भाई उसको नया ही देना पड़ेगा, तो अभी कल तो भाई बच गया, इसलिए भाई भी केयरफुल होके काम करना है हमको इधर पे, नहीं तो भाई सैलरी हाथ तो आएगा नहीं, ऐसा कुछ है इधर का। और इधर से हम लेंगे अभी राइट पे, और फिर से राइट लेके फिर से राइट पे लेना है, जो आगे का रास्ता जो है भाई कुछ खराब ही है लगता है, जाम ही है इधर पे, ज़्यादातर गाड़ी जो है बहुत बिजी रहता है कोने का रोड, क्योंकि वो रोड से भी आता है इधर से भी आता है पीछे हाईवे से, तो भाई दो रोड का गाड़ी एक रोड पे, इधर जो भाई रोड भी थोड़ा छोटा ही है, तो ये रोड पे जो है बहुत ज़्यादा से जाम लगता है भाई, आगे देख सकते हैं गाड़ी कितना है, फिलहाल अभी तो नहीं है गाड़ी, तो हम आराम आराम से चल सकते हैं, और भाई हमको जाना किधर है वो भी तो मालूम नहीं है, मैप नहीं दिखा रहा है भाई, अटक गया कुछ, GPS का प्रॉब्लम है लगता है। हाँ अभी चला, अभी जो हमको लेना है इधर से लेफ्ट पे लेना है, जो उधर मेन हाईवे पे ही घुस जाना है, और घुस के फिर से भाई मैप कैसे चल रहा है क्या हुआ इसको, तो भाई इधर जो है हमको घुस ही जाना है इसका पीछे, तो भाई हम तो घुस गया, और भाई ये साइड पे जो है पूरा फरमनिया ही है, और ये 100 का रोड है, 100 से ऊपर नहीं चला सकता है, चलाएगा तो भाई अपना ही खर्चा है इस पे, तो भाई हम तो चलेंगे नीचे ही, दूसरा लोग कैसे भी चलाए हमको उससे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि आगे जो है कैमरा रखा है भाई, पिछले मंथ जो है मेरा स्पीड का फाइन आया था कितना 20 dinar भाई, ऐसा ही 20 dinar चुना लग गया, अभी तो हरा में ही निकलना है भाई, निकल चुके हैं, तो हमारे सर से जो खतरा है भाई खतरे से बाहर हो चुके हैं, अभी जो है हमारा गाड़ी भी भाई हॉस्पिटल पे लेके जाना है, अभी बहुत इसका भी कंडीशन ख़राब हो रहा है भाई, तो सिग्नल जो पिछले टाइम पे सर्विस तो किया था बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम सा आ रहा है गाड़ी पे, और नीचे का स्क्रू भी पूरा लूज हो गया है, भी नहीं है भाई इधर जो है क्विटी लॉक का कर रहे है, कुछ ऐसा माहौल है इधर का। और आगे से हमको लेना है लेफ्ट पे, सॉरी राइट पे लेना है, तो राइट के बाद में फिर राइट भाई, इधर का रोड कुछ ऐसा होता है ना स्टेयरिंग घुमा घुमा के भाई आदमी थक जाए पूरा, हैं राइट, और भाई जो हम पहुंच चुके अभी कस्टमर के घर, अभी करते हैं कस्टमर को कॉल, क्या बोलता है अभी वो लेने के लिए आएगा या लेके आओ बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है, तो भाई करते हैं अभी कॉल। ओके तो गाइज मैंने जो है कस्टमर का जो सामान है उसका हैंड ओवर कर दिया है, तो भाई अभी चलते हैं आगे, और भाई ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड।